नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति प्रकाश धाधीच और आपका स्वागत करता हूं द ऑफिसर्स में। दोस्तों, मुंबई जोन के एनसीबी डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर कई तरह के सवाल उठने के बाद उन्हें क्रूज ड्रग केस से बाहर कर दिया गया है। वे शाहरुख खान के बेटे आर्यन के मामले में भी जांच कर रहे थे। अब यह जिम्मेदारी एसआईटी हेड आईपीएस अधिकारी संजय सिंह को सौंपी गई है। संजय सिंह पहले भी ऐसे कई मामलों की जांच कर चुके हैं। अब वे आर्यन खान और नवाब मलिक के दामाद वाले मामले की भी जांच करेंगे। इसको लेकर समीर वानखेड़े ने कहा, मुझे जांच से हटाया नहीं गया है। मैंने अदालत से कहा था कि जांच किसी केंद्रीय एजेंसी से कराई जाए। आर्यन खान और समीर खान के मामले की जांच अब दिल्ली एनसीबी की एसआईटी टीम कर रही है। यह दिल्ली और मुंबई टीमों के बीच आपसी सामंजस्य का मामला है। दोस्तों, आपको बता दें कि नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर गलत सर्टिफिकेट पर नौकरी लेने और वसूली संबंधित कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं। दोस्तों, अब जानते हैं आखिर कौन है आईपीएस संजय सिंह। संजय सिंह 1996 बैच के ओडिशा केडर के आईपीएस अधिकारी हैं। वे कई साल तक ओडिशा पुलिस और सीबीआई के साथ काम कर चुके हैं। एनसीबी में ज्वाइन करने से पहले ओडिशा पुलिस की ड्रग टास्क फोर्स को हेड कर रहे थे। उन्होंने एंट्री ड्रग ड्राइव भी चलाया था। कई ड्रग ट्रैफिकिंग केस संभाल चुके हैं। साल 2008 से 2015 तक वे सीबीआई में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी डीआईजी के पद पर कार्यरत थे। सीबीआई में काम करने के दौरान भी उन्होंने कई हाई प्रोफाइल केस संभाले। साल 2021 में संजय सिंह एनसीबी में आ गए। वे एनसीबी में डिप्टी डायरेक्टर जनरल पद पर काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि संजय कुमार सिंह पर कोई भी आपराधिक मामला नहीं चल रहा है। विजिलेंस के मामले में भी उन पर कोई दाग नहीं है और न ही भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा है। पिछले 1.5 साल से एनसीबी के तेवर बदले बदले दिख रहे हैं। जहां 3 साल में केस 90 दर्ज हुए हैं, वहीं 143 गिरफ्तारियां हुई थी। वहीं केवल 15 महीने में एजेंसी ने 129 नए केस दर्ज किए और लगभग 280 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा एनसीबी ने कई बॉलीवुड स्टार को भी निशाने पर लिया। इसमें दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, करण जौहर, सारा अली खान, भारती सिंह और अनन्या पांडे भी शामिल है। दोस्तों, आपको बता दें कि संजय कुमार सिंह को उन सभी मामलों की जांच भी सौंपी गई है जो समीर वानखेड़े और उनकी टीमें पहले देख रही थी। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए द ऑफिसर्स।